देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हिमाचल के तिब्बत सीमा को जोड़ने वाले क्षेत्र में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर 5 में वाहनों की आवाजाही पूर्णतः ठप रही। केवल आपात सेवाओं से जुड़े वाहन और लोग ही आवाजाही कर सके। 4 जिलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रामपुर, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया। यहाँ तक कि बैंक, ATM, दवा की दुकानें, चिकित्सालयों व अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्थानों में भी पूर्णतः सन्नाटा पसरा रहा। रामपुर के मुख्य बस स्टैंड में पूर्ण रूप से बसों की आवाजाही बंद रही। बस अड्डे में कोई भी सवारी नहीं दिखी। रामपुर में पूरी तरह से शांति छाई रही। जिन मंदिरों में भीड़ लगी रहती थी, उनके गेट बंद रहे और कोई भी भक्त नहीं पहुंचा। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि अपने जीवन में पहली बार इस तरह का सन्नाटा देखने को मिला है। ये सब देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने किया है ताकि कोरोना रूपी संकट से बाहर निकला जा सके। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरीश गुप्ता ने बताया कि रामपुर 4 जिलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि कोरोना को देखते हुए पूरे शहर को बंद रखेंगे ताकि जनता कर्फ्यू में प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए आम जनता तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि कोरोना से बचना है। उन्होंने बताया कि ये मार्केट 24 तारीख तक बंद रहेगी। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े दुकानें ही खुली रहेंगी। ये कितना बड़ा केंद्र है? ऐसा है, ये जो है 4 जिलों की मार्केट है, इसमें 4 जिलों से लोग आते जाते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस को महामारी से बचने के लिए हम सब ने निर्णय लिया है कि पूरा जो मार्केट जो है जनता के कर्फ्यू के अंडर जो है बिल्कुल टोटली बंद रहे। और आज सब ने सहयोग दिया है, गांव में भी और शहर में भी, सब्जी वाले चाहे विक्रेता है चाहे किराने वाले, सब ने पूरा जो है सहयोग दिया है। और ये कब तक बंद रहेगा? हम ये जो है मंगलवार शाम 24 तारीख तक बंद रखेंगे। अगर इससे आगे भी जरूरत पड़ी, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, तो सरकार के आदेश के अनुसार और हम जो है आगे भी इसको बंद रखेंगे। मंदिर पुजारी देवेंद्र ने बताया कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। पहले पूजा अर्चना के लिए काफी लोग आते थे, लेकिन कर्फ्यू के कारण सन्नाटा छाया है। मैं पुजारी महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी मंदिर से अपने स्टाफ के साथ अभी प्रातःकाल में खड़ा हूं और हमने मंदिर के कपाट सबकी जैसे प्रशासन के आदेश अनुसार बंद किए हुए हैं और इस नेशनल हाईवे में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी जनता उसका मोदी जी का समर्थन करके पालन कर रही है। धन्यवाद। जय मान करता हूँ एक धार्मिक उसके नाते कि भाई इस इन चीजों का अमल करे, कोई इसको लाइटली ना ले, ये बहुत बड़ी आपदा है, इसलिए अपना बचाव रखे। जो भी लोग प्रशासन के लोग बोलते हैं उसका पालन करे। जय माता की। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले विक्रम सिंह ने बताया कि पंप में अक्सर रश रहता था, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। इसका मतलब है कि जनता कर्फ्यू का लोगों ने पालन किया है और सन्नाटा उसी के कारण देखने को मिल रहा है। इस पंप में अक्सर अच्छा रश देखने को मिलता था, गाड़ियां काफी रश रहता था, पर आज बिल्कुल खाली खाली नजर आ रहा है, सन्नाटा छाया हुआ है। मतलब यहाँ के लोग जनता कर्फ्यू का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा हुआ, ऐसा सन्नाटा छाया है? पहले ऐसा सन्नाटा कभी नहीं छाया था यहाँ पे। वहीं बस अड्डे पे चौकीदारी करने वाले चौकीदार देवराज ने बताया कि ये पूर्ण रूप से आज सन्नाटा है। ना बसें चली, ना कोई आदमी आया। जनता कर्फ्यू का सब लोगों ने ईमानदारी से पालन किया है। बस स्टैंड में और यहाँ कोई भी आदमी मेरे को नजर नहीं आ रहा है और सब जनता जो है जनता कर्फ्यू का पालन कर रही है।